फिर हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो स्वागत है हमारे न्यू माइनक्राफ्ट वीडियो में। तो ये वाला मेरा लॉन्ग वीडियो होने वाला है। इस बार हम लोग करने वाले हैं अपना क्या बोलते हैं इसको वेपन को अपग्रेड, मतलब एन्चेंट करने वाले हैं। तो ये देखो, मतलब मेरे पास ये दोनों, मतलब अभी तक मेरे पास कम से कम 50 HP XP होगा, उसका तो वीडियो नहीं बन पाया। अभी 8 बचा है और उसमें मैंने किया है, इसमें फॉर्चून लगाया है, एफिशिएंसी 5 लगाई और स्माइट 5 लगाई और मेल्डी 5 लगाई। ये सब मेरे कहाँ से मिला ये भी बता देता हूँ सबसे पहले आप लोगों को। मैं ये रहा अपना ये विलेजर ट्रेडिंग फार्म, आप लोगों का यहाँ आते ही ये हम करना चालू कर दिए हैं। यहाँ से निकलने में सबसे ज़्यादा समझदारी है, इतने सारे बनाए हैं सब 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 के सब ने कुछ ना कुछ दिया, मतलब समझ सकते हो। तो इसी के साथ हम अपना सबसे पहले लेवल बढ़ाते हैं, उसके बाद अपना इसको एन्चेंट करेंगे। सबसे पहले आप लोग चलते हैं उस तरफ भी अपने मॉब फार्म है, लेकिन हम लोग जाएंगे अपने ज़ॉम्बी फार्म में। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं अपने ज़ॉम्बी फार्म में। ये सोचने में क्या टक्का टक्का करते हैं। चलो सीधा हम चलते हैं अपने मॉब फार्म में। यहाँ पर हमको एफ के बैठना पड़ेगा बहुत देर तक, उसके बाद अपना मतलब मैं आप लोगों को एफ के कम से कम मैं समझ लो 50 XP के बाद ही दूंगा। तो अपन यहाँ पर सब में एफ के बैठना शुरू करते हैं। देखना अभी आपको ज़ॉम्बी का आवाज़ आएगा काम करके, तो मैं आपको सीधा मिलता हूँ 50 XP होने के बाद। बाय बाय। सीधा हमने चलते हैं ऊपर और अपना बाकी एक्स को भी अपना एन्चेंट करते हैं और बाकी सबको भी क्या क्या चीज़ें और इसमें भी और कुछ कुछ लगाना है मेरे ख्याल से। हाँ, और कुछ कुछ लगाना है इसमें। तो अपनी लाइब्रेरी के पास से जाते हैं, सीधा लेते हैं। चलो सीधा सीधा दौड़ते दौड़ते भागते भागते अगर मैं और कुछ इसमें रुक पहले मैं अपने इसमें लगा ही लेता हूँ, उसके बाद आपसे पूछता हूँ। ये चीज़ सीधा सीधा हम जा रहे हैं अपना ऊपर। चलो चलो भाई, ये वाली जगह को मेरे को ठीक करना पड़ेगा, इसको मैं सीधा स्ट्रेट कर दूँगा। तो गाइस, हम लोग तो अपना एक्सपी लेके आ ही गए थे, लेकिन मैं अपने घर में सोने चल गया था क्योंकि रात हो रहा था उस समय। तो रात को कुछ भी काम करना अच्छा नहीं रहता, तो उसके लिए हम आए हैं सुबह सुबह। तो चलो अपना आप लोगों को मैं अपना खजाना दिखाता हूँ। भाई ये रात को ही ठीक था, रात को यहाँ सामान लेके चले जाना था। भाई ये रहा अपना खजाना, ये है अपना पिकैक्स मार, कुछ कुछ लगेगा उसके लिए। ये अपना क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं मेहंदी की ज़रूरत नहीं है अपन को, अपना ये डायमंड के शॉर्ट शॉर्ट के लिए। और ये है अपने एक्स के लिए, एक्स को तो अभी नहीं बनाएंगे, अपना सीधा सीधा अपने बोट के पास मतलब अपने एनविल के पास जाके अपन बनाएंगे। चलो सबसे पहले चलते हैं अपने एनविल के पास, मतलब बोट के पास। चलो चलते हैं भाई, ये भी अपना माइन है, तो इसको मैं अच्छे से डेकोरेट कर दिया हूँ। अच्छे से नहीं थे वैसे, नॉर्मल ब्रिक्स लगा के बस। ये अपना मॉब फार्म हम ऊपर एयर के करने के लिए है, वहाँ पर अपना आयरन फार्म भी है। कहाँ के अपने सॉरी गाइस, थोड़ी तबीयत खराब था। तो चलो सबसे पहले अपने पिकैक्स में हम लोग लगा लेते हैं मेंडिंग, क्योंकि इसमें अपना मेंडिंग नहीं लगा है। मेंडिंग रखने के बाद इसमें क्या लगेगा, अनब्रेकिंग 3 लगा लेते हैं। भाई मेरे इतना अच्छा किस्मत था आप बता नहीं सकता, हम लोग को एक ही बार में ये सब चीज़ मिल गया, मतलब मैक्स लेवल का, सोच सक रहे हो मैक्स लेवल का। अब सबसे पहले अपन लोग इसमें लगाएंगे लूटिंग, अब लगाएंगे अपन लोग ये जो भी, अब फायर एक्सपेक्ट 2 लगा लेंगे। भाई है ही नहीं, बचा ही नहीं ब्रो, नॉकबैक लग रहा है भाई। भाई अपना ओपी, मतलब इसमें अभी और कुछ बचा है। तो चलो हम लोग सीधा सीधा, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था आप लोगों को देखा ही होगा कि अपना स्टैंड वो ऐसे नीचे जा रहा था, तो उसको मैं टाइट करना भूल गया था। तो अभी हम लोग फिर से सीधा जाते हैं और अपना क्या बोलते हैं उसको एक्सपी लेके आते हैं, फिर से 50 XP लेने के बाद ही मिलूंगा मैं आपसे। तो चलो सीधा चलते हैं, माथा को पर आते हैं टप 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 टप। चलो चलते हैं सीधा सीधा नीचे अपने ज़ॉम्बी एक्सपी फार्म में, नहीं पता इसमें ज़्यादा एक्सपी मिलता है, तो उसके लिए मैं यहाँ आता हूँ। पहुंच गए हम लोग अपने एक्सपी फार्म में। तो
अब हम लोग फिर से आप लोगों को मिलेंगे। जानते हो कितना टाइम लगेगा 50 XP फिर से करने में। फिर से मिलते हैं आप लोगों को 50 XP करने के बाद। बाय बाय। चलो अपना तो 50 XP हो ही चुका है, अब इतना क्या ही बोलेंगे। अगर नहीं हुआ तो हम फिर वापस आएंगे, तो हम लोग मैं मिलता हूँ सीधा आपको सीधा ऊपर। फाइनली गाइज हम लोग अपने ऊपर तो आ ही चुके हैं, तो फायर एक्सपेक्ट एक आखिरी है अपने स्वॉर्ड में लगा। गाइज मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि फायर एक्सपेक्ट अपना 55 XP ले लिया भाई साहब। तो फिर अपना इसमें स्टोरेज नहीं था, उसी के लिए आपको लगा होगा कि बीच में कटा है। तो मैं आपसे तुरंत मिलता हूँ बुक को कंबाइन करके, तीनों बुक को इसके एक्स के लिए तुरंत ही मिलता हूँ आपसे। तो गाइस हम लोगों को अपना XP थोड़ा कम पड़ गया, हम लोग को 13 XP और चाहिए, मतलब एक्स को तीनों बुक से कंबाइन करना था। बुक तो कंबाइन हो चुका है, मैं तुरंत 13 XP ले जाता हूँ, 2 मिनट रुकना। तो चलो अपना ये आखिरी चीज़ है, मतलब लड़ने और खोदने के लिए। मैं भी क्या क्या बोल रहा हूँ। तो सीधा अपना इसको करते हैं एंचेंट, ये तो 13 ले रहे हैं ना, वो फुल्ली मतलब मतलब ओपी अपना क्या बोलते हैं ओपी अपना ये सॉर्ड बन चुका है, पिकेक्स बन चुका है और डायमंड एक्स बन चुका है। आप मेरे को सवल और वो को अच्छे से एंचेंट करने के लिए बताना, और आर्मर को ही बता देना। अगर इसमें और कुछ लग सकता है तो उसके बारे में भी बताना। तो इसका टेस्टिंग भी हम करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में करेंगे उसका टेस्टिंग। और कुछ भी मैं करने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक मैं करने वाला हूँ इसके अगले वीडियो में, आपको पता चल जाएगा। तो फिर इसी के साथ ये वाला वीडियो को हम एंड करते हैं। इसके अगला पार्ट ज़रूर देखना, जिसमें हम लोग पूरा अपना आर्मर को एंचेंट करने वाले हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। बाय बाय गाइज़।